पंजाब में जो मूसेवाला का मर्डर हुआ है उसमें महाराष्ट्र के दो तीन लोग हैं, उनका कोई लिंक है। वो लिंक क्या है या कैसा है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं थी, पर उसके आधार पे जब हमने जो दो नाम आए थे मीडिया में, संतोष यादव और सौरभ महाकाल, उनके बारे में जब जानकारी हमने लेना शुरू की तो पता चला कि संतोष यादव जो हैं वो पूना ग्रामीण मंचर पुलिस स्टेशन का जो केस है मकोका का 2021 का, उसमें फरार है। उसके आधार पे हमारे जो पूना ग्रामीण एसपी श्री अभिनव देशमुख, उन्होंने इमीजिएटली जो है काम करना शुरू किया, क्योंकि संतोष का जो सर्च है वो ऑलरेडी चल रहा था हमारे यहाँ, परंतु जो सिदेश कांबले जो कि महाकाल का असली नाम है उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था, परंतु उसका भी तकरीबन 6-7 घंटे में 8 घंटे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन वर्कआउट किया, उसको ढूंढा, उसको पकड़ा और उसके बाद उसका पुलिस रिमांड लिया गया और उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। उसके बेस पे जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिला उसके आधार पे हमने दो तीन जो टीम थे वो बनाए और जहाँ जहाँ का इन्फॉर्मेशन उसने दिया उसके आधार पे हमने अपनी टीम्स वहाँ भेजी, जिसमें से एक टीम जो है गुजरात भेजी गई। 7-8 दिन से हमारी टीम गुजरात में इनका सर्च कर रही थी, राजस्थान में हमारी टीम गई, दिल्ली में हमारी टीम गई और आखिरकार जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा था हमारे पास, जो हमारे यहाँ वैकेंट टीम था वो काम कर रहा था, जो फील्ड में हमारी टीम थी वो काम कर रही थी, तो हमारे को दो लोग, संतोष यादव और नवनाथ सूर्यवंशी, ये गुजरात में मिले और इनको अब यहाँ लाया गया है। आज रात को ही इनका पुलिस रिमांड लिया हमने और 20 तक इनका हमारे पास पुलिस रिमांड है। अभी इनका फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है, इंटरोगेशन है, वो होगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसका नाम पंजाब का जो मूसेवाला मर्डर है उसमें फिगर हुआ है, आ रहा है, उससे इनके क्या लिंक हैं, कैसे लिंक इस्टेब्लिश हुए, कहाँ हुए, क्यों हुए, इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। जैसे जैसे इंटरोगेशन होगा, जैसे जैसे हमें पता चलेगा, उसके आधार पर जो अगली कार्यवाही है वो की जाएगी और उस मर्डर से भी इनका क्या लिंक है या नहीं है या किस तरह का लिंक है उसका इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब ये इन्फॉर्मेशन मीडिया में आया उसके आधार पर जो कार्रवाई शुरू हुई, हमें ये भी लगा कि अब पंजाब और दिल्ली जो इस केस पे ऑलरेडी काम कर रहे थे और प्रोबेबली वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन थी जो मीडिया में आई थी, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने भी हमारी सहायता की, मदद की, हमने भी उनकी मदद की कुछ कामों में, एक म्यूचुअल जो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन कोलैबोरेशन वो था। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सबसक्राइब करो यूट्यूब पे सच कहूं पंजाबी चैनल, इस दे नाल ही बेल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।